मतलब एंसेस्टर्स का बताओ नहीं, नहीं मतलब कराची से हैं। <laughs> मैं कराची से ओके okay. प्योर उर्दू स्पीकिंग hmm. अब्बा अजमेर शरीफ से हैं अम्मा जबलपुर से हैं मेरी okay. और हम प्योर उर्दू स्पीकिंग okay. और जर्नी ऐसे शुरू हुई थी कि पहले आई यूज़ टू टीच इन ए लैंग्वेज सेंटर पढ़ा हुआ कहाँ से आपने कराची यूनिवर्सिटी

आई टोल्ड यू आई हैव टू मदर्स तो उनके जो दो छोटे बच्चे थे उनकी ज़िम्मेदारी थी घर की जिम्मेदारी थी तो फिर प्राइवेट सब हम करते गए और पापा जब थे 2006 में तो मैंने लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था ऑफ uh, होता है ना आपका कि आप जाके थर्ड ईयर के बाद ज़रा कुछ कर लें तो आई वॉज द वन अपने ख़ानदान से जो नाइन टू फाइव जॉब करती थी okay. तो जब मैं गई थी वहाँ पे तो वहाँ के जो ओनर थे इकबाल अली जज साहब hmm. उन्होंने मुझसे कहा तुम तो बहुत यंग हो मैं तुम्हें टीचर नहीं बना सकता अच्छा। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लड़के हैं कोई एज हाँ। लिमिट नहीं है तो तुम ना रिसेप्शन पर बैठ जाओ ओके okay. और हम खुशी खुशी अच्छा ठीक है तो मैंने मुश्किल से रिसेप्शन पर दो ढाई महीने रही थी भी मेरी ट्रेनिंग हुई सब कुछ हुआ और वहाँ पर कुछ ऐसे सीनियर्स थे मेरे

तो हम वो करते थे समर कैंप्स होते थे अच्छी एक्टिविटीज़ होती थी फिर मैं ट्रेनिंग करती थी जो हमारी रिसेप्शनिस्ट होती थी कोऑर्डिनेटर्स होती थी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जिनकी काउंसलिंग करनी होती थी और एक प्लस पॉइंट डोमिनेंट इंग्लिश सेंटर का यह था कि अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी स्टूडेंट में या वो पार्शली ब्लाइंड है या ब्लाइंड है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हंड्रेड स्कॉलरशिप थी Okay. तो हम उन लोगों को भी फिर काउंसिल करते थे देखते थे तो इन सब की चीजों की जैसे आपको तो ह्यूमन बिहेवियर का बड़ा इंटरेस्टिंग <laughs> होगी जो आपको आगे अपने एक्टिंग करियर <laughs> <career> में बहुत <laughs> फायदा हुआ है और फिर उसके बाद ये हुआ था कि जब हम जैसे यंग यंग टीचर्स आए थे जो मास्टर्स भी कर रहे हैं और मतलब आई वॉज इन थर्ड ईयर समझे लास्ट ईयर में होंगी जब मैं वहाँ गई थी

जब स्टूडेंट्स साथ चलते थे तो हम भी उनके जैसे ही लग रहे होते थे तो फिर वो गाउन और कार्ड्स आ गए थे कि भाई टीचर्स आ रहा है लेकिन खैर रिस्पेक्ट बहुत होती थी, थी क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा थी हर चीज पे और अगर कोई ऐसी वैसी बात होती थी एक बहुत मजे का वाक़ हुआ था एक साहब थे मेरी क्लास में थर्टी फाइव स्टूडेंट्स थे और वो सब ना मतलब आप समझे उस वक्त थर्टी फाइव फोर्टी एक सिक्सटी ईर्स के भी बैठे हुए होते थे, थे क्योंकि कोई, तो को, कोई एज लिमिट अब नहीं। मैं क्लास में गई हूँ सारी बात बात हुई है कॉन्वर्जेसन हुई है हमने डिबेट किया सब कुछ किया अब एक ना मुझे ये करके देखे जा रहा है देखे जा रहा है फिर मुझे कहता है मेरी अम्मी मर गई हैं मैंने कहा अच्छा बहुत याद आती हैं मुझे आप अपनी अम्मी जैसी लगती हैं अच्छा तो जो डोमिनो का प्रोस्पेक्टिस होता था उस पर हम लोगों की ना पिक्चर्स थी सारी टीचर्स की जैसे होती हैं उसमें से उसने यू यू वन इमेजिन दैट कि उसने उसमें से ना मेरी वो पिक्चर निकाल के छोटी सी पासपोर्ट साइज अपने वॉलेट में रखी हुई थी oh. फिर वो यहीं पर नहीं रुका वो मुझे no. लगता था कुछ था उसका hmm. मसला कि उसने मेरे घर पता नहीं उसे कैसे पता चला था उसने मेरे घर एक मेरे ही साइज़ का टेडीबेयर भेजा मेरी बर्थडे वाले को oh, अच्छा जो मेरी स्टेप मदर है ना वो वैसी बहुत डरती है इन चीज़ों से ना वेल भाजी टी सी एस वाला आया कहता है ये केक और ये और ये और मैं तैयार हो रही हूँ ना कि बर्थडे है अम्मी ने कपड़े सीखे दिए मेरी अम्मी स्टिच करती हैं कपड़े तो हम वहां पर खड़े हुए शायद अंटी कहती है पता नहीं तो पार्सल आया और दो इसे वापस पता नहीं किसने भेजा कौन है क्योंकि मेरा बचपन से ही जो हस्बैंड है उनसे एक था कि अच्छा इनसे शादी होनी है और पापा की डेथ के बाद अगले साल ही हमारे निकाह हो गए थे दोनों बहनों के दोनों भाइयों से और वो अम्मी के सगे भतीजे हैं तो अम्मी को तो पता था कि कोई ऐसा सीन ही नहीं है कि कोई आगे पीछे हो और ना वो वो आ रही मदर के सगे भतीजों से हम दोनों की शादी देखें पापा ने दोषा दिया कि आपकी मैं बताती हूँ पहली अम्मी उनके हम तीन बच्चे हैं एक मेरी बड़ी बहन जो मेरी जेठानी है ओके। फिर मेरा भाई है उसके ट्वेंस हैं फिर मैं ओके स्टेप मदर के दो बच्चे एक एक बेटा बेटी पांच बहन भाई हैं से आप ओके तो वो फिर अम्मी ने उससे पूछा तो कहते हैं मेरी तो जॉब चली जाएगी मेरा तो काम है ये देना उठाओ उसको लेके जाओ मैंने कहा एक काम करो जिसने भेजा है उसको कॉल करो इतना बेवकूफ था कि टीसीएस वाले ने कॉल की उसने उठा ली और फिर उसके बाद नाइन की क्लास में वो मेरे होता था फिर मैंने उसको वहां से okay. <laughs> बहुत भी होगा ना यार मुझे डर लगता था वो जिस तरह देखता है मुझे लगता था उठा के ही न ले ना ले जाए किसी से क्योंकि उस वक्त इतना था नहीं ना एक तो पापा की ताजा ताज़ा डेथ हुई थी फिर आपको लग रहा होता पूरी दुनिया में सभी आपके दुश्मन है तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता था लेकिन बहुत मज़ा किया तो फिर वहाँ से चलते चलते ये एक्टिंग की तरफ कैसे आ यार यार एक्टिंग में मैं शुरू से जाना चाहती थी बचपन से शौक था शौक़ था।, शौक था पापा okay. मेरे तबलीगी जमात में थे शहरोजा yeah. और चिल्ले वाले लोग थे ना yeah. वो तो <laughs> उन्होंने मुझे सिर्फ कैफ़े विजन एक आता था रिजवान जाफर का आई डोंट नो क्या आपको पता है यानी इंडस विजन एक चैनल था तो वहाँ पे होता था जो भी आपके यंगस्टर्स हैं ना मतलब कॉलेज स्कूल के वो सब बैठ के कोई डिबेट करते थे तो अक्सर उसमें वो मुझे बुलाते थे तो मैं पापा से कहती थी जाने दें तो वो स्टेप मदर के साथ हमें तारक रोड भेजते थे डॉलमिन वहाँ के फूड कोर्ट में हमारा डिबेट कंपटीशन होता बहुत तमीज़ का सलीके का और उसमें मैं हमेशा विन करती थी ओके okay. तो पापा ने अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे ये जो बैठी है ना येलो कपड़ों में ये बैठी है फिर खैर बीच में रेडियो शोज़ वगैरह भी थे फिर एक रेडियो शो पे मैं गई ऑडिशन देने मैं फेल हो गई ओके okay. तो उसके बाद वो ख्वाब तो मेरा वहीं टूट गया कि मैं नहीं बन सकती आज फिर उसके बाद जब शादी वादी हो गई तो फिर मैंने अपनी सास ना बिल्कुल डेथ बेड पी थी उनको हेपेटाइटिस बी एन सी था वो बचपन से ये सीन था कि अगर कोई तकरीब है तो हैदराबाद से मैं कपड़े सिल के आ रहे हैं क्योंकि सास बिल्कुल बेटियों की तरह रखती थी तो मैंने उनसे कहा यार मुझे एक्टिंग करनी है नसीब आंटी मुझे जाने में तो वो सदर में टेक्नो सिटी या नहीं कोई जगह थी वहाँ पर एलेवंथ या नाइन्थ फ्लोर पर समा का ऑफिस था तो वहाँ होते थे अदील और जवाद okay. उन्होंने कोई ऐड वगैरह दिया कि भाई हमें एक्टर्स की ज़रूरत है तब वो आती थी रीन ओके okay. <laughs> मेरी कहानी मेरी जमानी okay. तो मुझे हमेशा लगता था अच्छा इसमें भी काम कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है चैनल्स तक जाना तो बहुत मुश्किल काम है mm -hmm. तो मैं पढ़ा भी रही थी रोमिनो रौमे में mm -hmm. मैं ये काम भी करती थी साइड से ना अपनी पिक... अब उन्होंने कहा आप पोर्टफोलियो दें हम हमें तो पता ही नहीं पोर्टफोलियो क्या होता है mm -hmm. क्योंकि हमारे यहाँ तो पिक्चर्स ही नहीं बनती थी ऑफ कोर्स तो मैंने कहा अच्छा पोर्टफोलियो कहते हैं जो भी पिक्चर्स है दे दें तो आप सोचें मैंने कौन सी पिक्चर्स दी कौन सी पिक्चर दी जब मेरी शादी की पिक्चर <laughs> उनके क्लोजअप क्योंकि वो एल्बम तो आया नहीं था अभी शादी हुई थी मैंने अच्छा, शादी के फौरन की बात है <laughs> मार्च की बात है फैम में शादी हुई है और मैंने मार्च एट 2011 तो की बात है मैंने वो जो है ना अपने हस्बैंड से कहा यार प्रिंट आउट निकाल के लिए <laughs> वो भेज बेचते <दे> <laughs> वो मुझे लेके गया उससे गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी बाइक पे मैं काशी के साथ मेरे हस्बैंड का निकनेम काशी है तो समझिएगा वही आदमी की बात हो रही okay. है किसी और की बात हो तो, गई हाँ, तो मुझे बाइक पे लेके गया हम वहाँ गए मैं जाके ना ऐसी अनबलप में जैसे रिश्ते के लिए तस्वीरें देने I thought maybe <laughs> आपने ना अपनी से टूशन लैंग्वेज सेंटर था ना उसकी कोई <laughs> ये तो मेरे ख्यालों में नहीं था कि शादी था। yeah, तो मुझे का हाँ ही आप तो की है। मतलब उनको पता हाँ। ना, तो मुझे एंगल ही नहीं पता चलता नहीं बना सकती अच्छा ओके तो फिर वो तस्वीर लेके आप लेके बहुत कॉन्फिडेंस से वाइट एनवलप में ले गई और मैंने उनको दे दी कि भाई और पीछे ना हर पिक्चर के मेरी हाइट और मेरी एजुकेशन और ये सब भी लिखा हुआ था <laughs> <laughs> अब अगर कोई लेके जाए तो तो वापस कर देंगे मेरे <laughs> ख्याल से तो पे अदील होते थे एक डायरेक्टर जो अभी जियो में भी मेरे ख्याल से उन्होंने काम शुरू किया उनको मैं जाके वो दे दिया फिर मैंने ना आके अपने हस्बैंड से कहा मुझे नहीं लगता कोई बुलाएगा वो तो जो जिन लोगों के अम्मी अबू होते होंगे ना मीडिया में उनको बुलाते होंगे हमें कौन बुलाएगा तो मुझे कॉल आ गई उन्होंने कहा बारह को आपकी शूट है अच्छा उस वक्त जो है मैंने कहा अच्छा फिर पैसे क्या मिलेंगे ये वो तो वो कहते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे तीन दिन के चौबीस हज़ार रुपये वो तो बहुत सारे लगे चौबीस हज़ार मैंने कहा अच्छा ठीक है डन मैं चली गई उन्होंने उसी वक्त वो होता था कि आपने काम किया आपको कैश मिला आपने स्लिप पर साइन किया पैसे मिल मैं गए मैं करके आ गई फिर बड़े शौक से ना मैंने सबको घर में दिखाया उसने ना बड़ी चीज़ लग रही थी टी वी मैं आ रही हूँ फिर एक वो किया फिर उसके बाद मैंने कहा अब तो कोई भी नहीं बुला रहा कोई भी नहीं बुला रहा फिर अचानक से मुझे जियो से कॉल आई